गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट्स हेस लॉ। बेसिकली हेस लॉ क्या है, बुक्स में एनसीईआरटी में जब आप क्लास 11th में है, जब आप थर्ड एडमिट्स पढ़ रहे हैं, तो हेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज बिकॉज कि इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबसन, बहुत सारी चीजें जिसको आपने पहले पढ़ा होगा वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिफोर कि हम लोग हेस लॉ पढ़ें, हेस लॉ क्या है, अभी दो दिन पहले मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था, तो हेस लॉ को समझने के लिए जो मैंने उनको एक एग्जांपल दिए, बच्चों को एक बार में समझ में आया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विद द सेम एग्जांपल हम लोग प्रोसीड करें। और वैसे बच्चे जो किसी भी स्कूल में एनुअल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे वन के बाद मंडे टेस्ट, प्री बोर्ड्स या वट एवर जो भी जो 11th से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, उनके लिए हेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतना बता, पिछले साल मेडिकल में एक क्वेश्चन पूछा गया विच वॉज डायरेक्टली फ्रॉम द हेस लॉ। चलिए, तो हेस लॉ को समझने के लिए जो छोटा सा एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता दूं। सपोज कोई एक पर्सन है जो इस लोकेशन पर है और उसको इस लोकेशन से इस लोकेशन पर जाना है। एज आई एम फ्रॉम बोकारो, तो मैं ये मान लूं कि कोई आदमी है जो किसी सेक्टर में है, जैसे सेक्टर वन, और इस बंदे को सेक्टर थ्री जाना है। अब जो मैं कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, बस एक मिनट स्टोरी ध्यान से सुनोगे हेस लॉ समझ में आएगा। सेक्टर वन से ये बंदा सेक्टर थ्री कैसे जाएगा, ये नीचे उतरा अपने घर से, इसको एक ऑटो वाला मिला, इसने ऑटो वाले से बोला कि सर मेरे को सेक्टर वन से सेक्टर थ्री जाना है, कितने पैसे लोगे? ऑटो वाले ने बोला आप 20 रुपीज दे दो, मैं आपको सेक्टर वन से सेक्टर थ्री पहुंचा दूंगा। वेल एंड गुड, उसने उसको 20 रुपए दिए, वो बंदा सेक्टर वन से सेक्टर थ्री चला गया। ना किसी दूसरे दिन उसको सेक्टर वन से सेक्टर थ्री जाना है, लेकिन अब जब उसको सेक्टर वन से सेक्टर थ्री जाना है, वो अपने घर के बाहर जब जाता है उसको एक ऑटो मिलता है जो उसको सेक्टर थ्री डायरेक्ट नहीं लेके जाता। वो कहता है कि नहीं, मैं आपको सेक्टर वन से थ्री नहीं ले जा सकता, मुझे सेक्टर टू तक ही जाना है। लेट बी, ये मान लिया कि सेक्टर वन के बाद सेक्टर टू, देन सेक्टर थ्री। उस बंदे ने पूछा कि भाई तू सेक्टर टू जाने का मुझसे कितना पैसा लेगा? ऑटो वाले ने बोला कि सेक्टर टू जाने के लिए आप मुझे 12 रुपीज दे दीजिए। नाउ वो सेक्टर वन से सेक्टर टू चला गया। सेक्टर टू जाने के बाद उसने फिर ऑटो देखा, दूसरे ऑटो वाले से पूछा कि भाई सेक्टर थ्री जाओगे? किसी ऑटो वाले ने उसको बोला कि यस मैं सेक्टर थ्री चलूंगा। पूछा कितने पैसे लोगे? उस बंदे को पता चला कि ये अब उससे 8 रुपए लेगा। ना किस कंक्लूजन पे पहुंचे हम लोग? कंक्लूजन ये है, उस बंदे को पता चला कि इस बार भी उसको टोटल 20 रुपीज ही लग रहे हैं। पहले बार भी 20 लगा, अभी भी 20 लगा। बस दिस इज हेस लॉ, हेस लॉ खत्म। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता दिया कि ऑटो से डायरेक्ट चले जाओ तो 20 रुपया और ऑटो से रुक रुक के जाओ तो भी 20 रुपया। यस, हेस ने क्या कहा? हेस ने कहा कि आप किसी काम को एक स्टेप में करिए या नंबर ऑफ स्टेप्स में करिए, एक से ज्यादा स्टेप में करिए, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चेंज होगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिलीज और एब्जॉर्ब होगा, वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा। मतलब अब अगर हम इसी चीज को किसी एग्जांपल्स में लेकर के देखें, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू देखें, तो मैंने अभी क्या समझाया कि आप ए को डी में कन्वर्ट कर दीजिए, डायरेक्टली कन्वर्ट किया, और आपने इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया जिससे ए डी में कन्वर्ट हो गया। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मैं पहले ए को बी में कन्वर्ट करूं, बी को सी में कन्वर्ट करूं, सी को डी में कन्वर्ट करूं, देन यू विल फाइंड कि सर ए पहले बी में, बी बाद में सी में, सी फिर डी। नाउ अब अगर इसमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है, इसमें Q2, इसमें Q3, तो हेस के हिसाब से Q1 इज इक्वल्स टू Q2, सॉरी Q इज इक्वल्स टू Q1, दिस Q इज इक्वल्स टू Q1, Q2, Q3, दैट्स इट। हेस ने क्या बोला? हेस ने बोला एक काम को एक स्टेप में कर, एक से ज्यादा स्टेप में कर, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लूज और गेन होगा, हीट एनर्जी, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। मतलब अब अगर इंग्लिश में आ जाए तो व्हाट इज हेस लॉ? अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स सेम वेदर द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन एक स्टेप और बहुत सारा स्टेप। मतलब किसी काम को एक बार में करो, एक से ज्यादा स्टेप में करो, किसी फिजिकल प्रोसेस को एक स्टेप में करो, केमिकल प्रोसेस को एक स्टेप में करो, या एक से ज्यादा स्टेप में करो, टोटल अमाउंट ऑफ एंथैल्पी और हीट एनर्जी जो लूज और गेन होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। दैट्स इट। अब आप बोलेंगे कि सर कोई एक एग्जांपल ले लो। मैं आपको एक जनरल डेटा बता रहा हूं, जनरल। हाँ, तो मैं पहले हेस लॉ के स्टेटमेंट पे आ रहा हूं। व्हाट इज हेस लॉ? चलिए, तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज
or gain remains always same whether the process is carried out in one step or a number of steps. Then hopefully आपको statements समझ में आ रहे होंगे. मैं एक जनरल डेटा ले रहा, अब ये नहीं कि आप इसको एनसीईआरटी से मिलाना और बोलना कि सर ये तो डेटा आपने गलत ले रखा. मैं एक जनरलाइज्ड बात बता रहा हूँ. कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो इस प्रोसेस में मान लीजिए कि माइनस, मान लिया 400 किलो जूल हीट रिलीज हो रहा है, मान लिया. लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता था. मान लीजिए अब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और इस प्रोसेस में माइनस 100 किलो जूल हीट रिलीज हो रहा है. अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड तक जाने में कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी, मैंने अभी क्या समझाया, डायरेक्टली जाते हो तो कितना, माइनस 400. तो अगर इसको दो स्टेप में करोगे तो भी माइनस 400 के बराबर होना चाहिए. तो चूंकि माइनस 100 पहले हो चुका, देन दिस शुड बी माइनस 300 किलो जूल. दैट्स इट. मतलब हेस लॉ क्या कहता है, काम को एक स्टेप में करिए, उसी जगह पर दो स्टेप में पहुंचिए, पहले यहां फिर यहां. टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो चेंज होगा वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा, वो ऑलवेज सेम होगा. दैट वॉज द स्टेटमेंट ऑफ हेस लॉ. चलिए, अब बहुत सारे जगह पे मैंने देखा कि बच्चों को हेस लॉ तो समझ में आ जाता है, लेकिन एक बच्चे ने भी मुझसे कल पूछा कि सर हम ये कैसे मान लें कि हेस का लॉ सही है. दो तरीके हैं. पहली बात तो आप एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तब जो उसने हीट रिलीज किया क्या वो कार्बन मोनोऑक्साइड के और कार्बन मोनोऑक्साइड के फिर डाइऑक्साइड में कन्वर्जन के बराबर था. उस बच्चे ने पूछा कि सर अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना कर पाऊं, बीइंग अ स्टूडेंट मैं यहां बैठा हूं, आप क्लास के अंदर मुझे ये कैसे समझा सकते हैं, मेरे पास एक्सपेरिमेंट के इक्विपमेंट नहीं है, तो आप कैसे समझा सकते हैं कि ये जो हेस का लॉ है ये सही, थियोरेटिकली इसको आप कैसे प्रूफ करें. अच्छा, मैं आपको एक बड़ा मजेदार तरीका बता रहा हूं. एक्चुअली ये सब समझने को है, ये आपको थोड़ा इंटरेस्ट देगा अबाउट हेस लॉ. इसका कोई एप्लीकेशन ऐसा नहीं कि इस एग्जाम में आपसे पूछ रहा है क्या यू प्रूफ दैट हेस लॉ इज थियोरेटिकल करेक्ट. तो इसको समझिए. मान लीजिए ए डी में कन्वर्ट हो रहा है एक स्टेप. ओके, नाउ ए पहले बी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बी में, सॉरी बी सी में कन्वर्ट हो रहा है एंड सी डी में कन्वर्ट हो रहा है. मान लिया इस प्रोसेस में क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट जो इस प्रोसेस में रिलीज हुई. नाउ अगर इस प्रोसेस में Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो, Q2, Q3, तो मैंने ये कहा, अच्छा तो अकॉर्डिंग टू हिस लॉ ये जो Q है ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होना चाहिए. हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये सही है, क्या हेस ने जो बोला कि इधर जो एनर्जी चेंज होगा वही चेंज इधर होगा. तो चलिए, मैंने ये मान लिया कि जब A, Q1, Q2, Q3 एनर्जी रिलीज करके D में कन्वर्ट हुआ, तब ये जो टोटल ये जो तीन एनर्जी है इनका सम है Q डैश. अब ध्यान दीजिए, जब A डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ तो Q रिलीज हुआ, A जब स्टेप में कन्वर्ट हुआ तो Q डैश अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ. अब दो कंडीशन हो सकते हैं, अगर ये इसके बराबर हो गया तब तो हेस लॉ सही है, लेकिन ये अगर प्रूफ हो जाए कि ये Q ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब तब तो हेस लॉ गलत हो गया, या ये बढ़ रहा हो जाए तो भी हेस लॉ गलत हो गया. तो हम किसी एक कंडीशन को मान लेते हैं, समझिएगा एक कंडीशन, बस हम एक कंडीशन मानेंगे और इसके एक न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, बाकी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जहां जो दिक्कत होगी फिर आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अगले वीडियोज में उस पर बात करूंगा आपसे. ना मैंने कहा कि मान लीजिए ए जब डी में कन्वर्ट हुआ इसने क्यू डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी, और ये जो Q डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये ज्यादा है Q के कंपेयर में, इसके कंपेयर में हेस ने कहा बराबर होगा, हम मान लिए कि नहीं बराबर नहीं, हेस गलत है, तब क्या होगा. मैंने कहा कि ये जो Q डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये Q डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है Q के कंपेयर. चलिए अब मैं बताता हूं आपको, आप ए से डी चले गए, Q डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, मान लीजिए Q डैश 200 इतनी किलो जो रिलीज होगी. फिर अब आप डी से ए आना चाहते हैं वापस रिवर्सिबल प्रोसेस,
तो यार अगर आप बी से ए आना चाहते हो तो मैंने बोला ए से डी जाने में मान लीजिए 150 किलो जूल एनर्जी लगती है यहाँ से, तो वापस जाने में कितना लगेगा, वापस जाने में भी 150 लगेगा, इधर रिलीज हुआ इधर एब्जॉर्ब होगा। अब पूरी बात को फिर से समझो, जब आप ए से डी जाते हो 200 रिलीज करते हो, और जब आप डी से वापस ए जाते हो तो आप 150 जूल ही एब्जॉर्ब करते हो मान लिया। तो ए से डी और फिर डी से आने में टोटल जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी हुई, 50 किलो जूल। तब तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई आदमी ए से डी में एक स्टेप में जाए, सॉरी ए से डी में बहुत सारे स्टेप में जाए और डी से ए एक ही स्टेप में आ जाए, तो इस पूरे प्रोसेस में वो 50 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। और अगर ये प्रोसेस वो बार 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 करता रहे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जिस टाइम में उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। बट क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोल, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आप इतनी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैसे जनरेट कर रहे हैं जबकि आप ए से डी के पास गए और फिर डी से ए के पास आ गए? तो जब आप इनिशियल स्टेट में चले आए तो उतनी एक्सेस ऑफ एनर्जी आपके पास आई कहां से, आप जहां से चले फिर वहीं चले आए। तो इसका मतलब हुआ क्या कि आप ए से डी गए अगर 100 जूल एनर्जी लेकर के, तो डी से ए भी आने में आपको 100 जूल एनर्जी लगना चाहिए। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हेस लॉ थ्योरेटिकली सही है। क्यों, मैं एक बार लास्ट लाइन में पूरी बातों को समराइज कर दे रहा। अगर इधर से जाने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती और इधर से आने में कम एनर्जी एब्जॉर्ब होता, तो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम बार बार इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे होते तो एट द एंड हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होती। दैट्स इट। तो अभी जो मैंने आपसे बोला इतने देर में, बस एक चीज आपके समझने के लिए है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट वाज हेस लॉ। कि हेस लॉ क्या है, तो मैंने आपको बोला कि हेस लॉ बोलता है कि काम को आप एक स्टेप में करें, एक से ज्यादा स्टेप में करें, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज और गेन ऑलवेज रिमेंस सेम। चलिए अब मैं आपको बताऊं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। तो जैसा आपको ये लगा होगा कि हेस लॉ बेसिकली यूज होता है किसी ऐसे रिएक्शंस के एंथैल्पी को फाइंड करने के लिए जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। मान लीजिए मेरे पास, मेरे को कैलकुलेट करना है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन अगर हो रहा है तो टोटल कितनी एंथैल्पी चेंज हो, कितना एनर्जी हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा। और इसके लिए ये आपका एम कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH4 में कितना हीट एनर्जी कितनी रिलीज हुई और कितनी एब्जॉर्ब। और मान लीजिए आपके पास जो डेटा है, जो गिवन डेटा है जिसको आपको यूज करना है, जिससे आपको हेल्प लेना है, वो तीन गिवन डेटा मैं लिख रहा हूं। मान लीजिए यू आर गिवन C+O2 विद CO2, यू आर गिवन H2+0.5O2 विद H2O, एंड यू आर ऑल्सो गिवन CH4+2O2 विद CO2+2H2O। और इस केस में मैं डेटा जो लिख रहा हूं वो बस आपके समझने के लिए है, ये रियल डेटा नहीं है। मैंने लिखा डेल एच नॉट इज इक्वल्स टू मान लेते हैं -400 किलो जूल पर मोल, डेल एच नॉट इज इक्वल्स टू माइनस कुछ भी लिख दीजिए 200 किलो जूल पर मोल, एंड माई डेल एच नॉट इज इक्वल्स टू -150 किलो जूल पर। चलिए क्या बताया मैंने आपको, मैंने ये बताया कि मेरे पास एक रिएक्शन है, सॉरी एक गिवन एम है हमारा, मेरे को बताना है कि CH4 बनते समय कितनी एनर्जी लूज और गेन होगी। और इस चीज को निकालने के लिए मेरे पास जो हेल्प करना है वो ये, ये और ये। तो इस तीन रिएक्शन से हम ये कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। बस आपको, अगर आपने इसको नोट कर लिया तो मैं आपको यहाँ जो मैं आपको बता रहा अब उस पर ध्यान दीजिए। ये आपके गिवन डेटा ओके, एट फर्स्ट we have to calculate for formation of methane. तो मीथेन कैसे बना होगा, C+2H2CH4 ये आपका रिएक्शन। इसके लिए निकालना है, ये सारे लोग हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, सबसे पहला तरीका क्या चाहिए, कार्बन।
तू चला गया वैसे रिएक्शन के पास जिसके पास कार्बन है। किसके पास कार्बन है? इक्वेशन वन। कार्बन को मैंने बोला कि भाई तेरे को चलना पड़ेगा मेरे साथ, क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत है कार्बन की। मेरे को बोला गया कि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन में तू एंथैल्पी निकाल के देखा, तो एंथैल्पी कैसे निकलेगा? इसके लिए मेरे को कार्बन चाहिए। मैं कार्बन के पास आया, कार्बन ने बोला कि भाई तेरे को H2 भी चाहिए दो बार, पहले हाइड्रोजन लेके आ फिर मैं साथ चलूंगा। फिर से समझेगा, मेरे को कार्बन चाहिए यहां है, मेरे को हाइड्रोजन चाहिए यहां है, बट हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2 है, कितना? 1। तो सबसे पहला काम क्या है? इसको 2 मोल बनाए। कैसे बनाएंगे इसको 2 मोल? इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। क्यों? क्योंकि डिमांड है, 2 ले गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया ये इक्वेशन? ये इक्वेशन क्या मैं लिख रहा, आफ्टर मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया? 2H2 प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, O2 गिव्स व्हाट? H2। इज इट क्लियर नाउ? यस। देन बोला 2H2 के साथ कार्बन को जोड़ दे। चल ये 2H2 मिल गया मेरे को, अब मैं इसमें कार्बन जोड़ दूं। कार्बन कहां है? यहां। तो इस इक्वेशन को लाके इसमें जोड़ देता हूं। कैसे? C प्लस O2 गिव्स व्हाट? 0। यहां यहां इंस्ट्रक्शन यहां है, कार्बन और 2H2 को जोड़ दे। जोड़ दिया, C प्लस 2H2 गिव्स व्हाट? C प्लस 2H2 गिव्स व्हाट? C प्लस 2H2 एंड दिस इज 2O2, सॉरी 2O2 गिव्स व्हाट? CO2 प्लस H2। चलो अब एक बार मैच कर लेते हैं दोनों चीजों को। हमारा एम कार्बन मिलना चाहिए, मिल गया 2H2 2H2, बट एक्सेस क्या है? 2O2 का है, 2O2 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 है। मेरे को 2O2 नहीं चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देता हूं। ओके, हाउ टू? कैसे करेंगे? फिर से यहां से C प्लस 2H2 प्लस O2, व्हाट इज द प्रोडक्ट? CO2 प्लस H2O। ओके, नाउ इस इक्वेशन से मैंने माइनस कर दिया। इसको क्यों माइनस किया? क्योंकि मेरे को ये नहीं चाहिए। ओके, कैसे? CH4 प्लस O2 गिव्स CH4 प्लस 2O2 गिव्स व्हाट? CO2 प्लस 2H2। नाउ जब आपने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया था तो दिस 2 इज मिसिंग। ओके, ये 2 इधर मिसिंग है। ओके, अब आप क्या करोगे जब इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या हो रहा है आपका? ये कट गया आपका, CO2 CO2 कैंसिल, H2O H2O कैंसिल, O2 O2 कैंसिल। नाउ C प्लस 2H2 गिव्स CH4। अगेन एम रिएक्शन, दैट्स इट। क्या किया एम रिएक्शन तक पहुंचने के लिए? क्या किया एम रिएक्शन तक पहुंचने के लिए? क्या किया क्या किया? इक्वेशन 1 को 2 के साथ जोड़ दिया। लेकिन इक्वेशन 1 को 2 के साथ जोड़ने के लिए इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किया। कितने से 2 से, बस खत्म। इसके डेटा में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे डेटा में 2 से मल्टीप्लाई कर दे? -200 × 2, इसको जोड़ दिया किसके साथ? 1 के साथ, -400। और जो रिजल्ट आया उसमें से इक्वेशन 3 को आपने क्या किया? माइनस कर दिया। इक्वेशन 3 1, दैट इज -150। अब इसका जो वैल्यू आया था वो आपके रिजल्टेंट इक्वेशन का चेंज इन एंथैल्पी होगा। मतलब क्या करना है आपको? इट्स टू इजी। हमेशा आपके पास एक एम रिएक्शन होगा, इस एम रिएक्शन के तक पहुंचने के लिए आपके पास कुछ हेल्पिंग हैंड्स है। आपको बस ये देखना है इनमें किस इक्वेशन में कितना से मल्टीप्लाई करें, कितने को जोड़ दें, किसमें घटा दें, ताकि आप एम रिएक्शन तक पहुंच जाए। एंड इफ यू विल एबल टू फाइंड दैट एम रिएक्शन विद द सेम प्रोसेस, ये जो डेटा है इन डेटा को भी आप जोड़ घटाओ करके वो जो आप फाइनल वैल्यू मिलेगा, दैट विल बी द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। होपफुली ये चीज समझ में आया होगा आपको। ये एक मैथल आप अगर एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो मिलेगा, बट ये जो डेटा है वो डेटा आपको अलग मिलेगा। मैंने बस आपके समझने के लिए ये ले लिया। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू बेस्ट टू सॉल्व।